जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर इलियास सैमुअल है। मेरा ताल्लुक जनरल हॉस्पिटल के बैक साइड से जिस साल्ट ऑफ फायर चर्च से है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑल टीवी का, बिशप कुपाल साहब का, जिन्होंने ये हमें ये मौका बख्शा ताकि हम यहाँ पर खड़े होकर आप लोगों से बातचीत कर सकें, खुदा के जिंदा कलाम की बुनियादी कर सकें, और सबसे बढ़कर अपने जिंदा खुदा का जो हमारा मालिक है, जो हमारा जिंदा खुदा है, जो हमें ऐसे मौके अता करता है ताकि हम खुदा की मनादी खुदा के जलाल से भरकर करें और खुदा की कुदरत को उसके लोगों में बयान करें ताकि उसके नाम को जलाल मिलता चला जाए। तो हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और आज के कलाम से पहले हम सब खुदावन से खुदा की हिकमत और दनाई को मांगेंगे और हम ये दुआ करेंगे, तमाम सुनने वाले क्या खुदा मुझे सुनने वाले कान दे, मुझे समझने वाला दिल दे ताकि मैं तेरे कलाम को सुनकर उस पर अमल करूं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के बहन भाई कहला सके और जिंदा यहोवा यरी खुदा बाप के बेटे बेटियां कहला सके। आई मेरे जो अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। एकदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी प्यारे बाप, मेरे मालिक आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करते हैं, आपके नाम को इज्जत और चलाल देते हैं, आपकी मदद सराय करते हैं। ऐ मेरे खुदावंद अपना कलाम नासिल फरमा ताकि आपके बेटे बेटियां रूहानी और जिस्मानी शिफा का बाइस बन जाएं। ऐ मेरे कुदूस खुदावंद आसमान के दृश्य खोल कर अपने बड़े जलाल को साहिर कीजिएगा, अपने खादम को हिकमत और दनाई के रूह से भर दीजिएगा, क्योंकि हम सब खाली बर्तन की मानद हैं। ऐ खुदावंद जब आप भरते हैं अपनी रूह से तो ऐ खुदावंद तमाम लोग सरफरासी पाते हैं। ऐ मेरे खुदा उन तमाम सुनने वाले बेटे बेटियों को ऐ खुदा सुनने वाले कान और समझने वाला दिल दे ताकि मेरे कुदूस खुदावंद आपके कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले बने, ताकि मेरे कुदूस खुदावंद आपकी बादशाही के वारिस बन सके और आपके जलाल में बढ़ते चले जाएं, ताकि आसमान की बरकत इनकी जिंदगी के ऊपर नासिल हो, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऐ मेरे यीशु, आज हमारा टॉपिक है बरकत से बरकतें, इंग्लिश में से कहेंगे ब्लेस्ड टू ब्लेसिंग्स। आज जो ये कलाम सुन रहे हैं, मेरे साथ खुलेगा बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत को आज हम पढ़ेंगे, और मैं जैसे चाहता हूं कि हम पहली आयत के ऊपर भी गौर करें और इसको सुने गौर से कि खुदा हमें किस तरह बरकतें देता है, खुदा हमसे किस तरह चाहता है कि हम उससे बरकतें रिसीव करें ताकि हमें बरकत लेने का तरीका आ जाए। मेरे से सो आए पहले किताब उसका बर्मा उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं, पहली तीन आयत लिखा, और खुदावन ने इब्राहिम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तो भाई से बरकत होगा, जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। खुदा के पाकलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। मेरे जीसो, आज हमने जिंदा कलाम में से पढ़ा, पहली आयत में हमने देखा खुदा इब्राहिम को बुलाता है, खुदा की बुलाहट इब्राहिम नबी के लिए, जब उसका नाम इब्राहिम था पहली दफा खुदावंद का उसका एनकाउंटर हुआ, और इस मुलाकात में खुदावंद ने उससे एक कुर्बानी मांगी है। खुदावंद ने उससे कहा, पहली बात और पहली कुर्बानी, अपने वतन अपने नातेदारों के बीच से निकल, अपने बाप के घर को छोड़ दे और जो मुल्क मिस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे शिशु, बड़ी जबरदस्त कुर्बानी शुरू हुई है। एक बात याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में हम तब तक बरकत नहीं पाते जब तक हम कुर्बानी पेश नहीं करते। इब्राहिम नबी से खुदावंद खुदा ने कुर्बानी मांगी है, अपनी विरासत छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने दोस्तों को छोड़, अपनी जाय पैदाइश छोड़ और यहां से निकल और चल जो मुल्क में तुझे दिखाऊंगा, तुझे वहां पर जाना जरूर है। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या हमने अपने खुदा के लिए कोई कुर्बानी दी है? मेरे जीजो, आज कुर्बानियां मुख्तलिफ किस्म की हैं, आपके वक्त की कुर्बानी, आपकी सोचों की, आपकी ख्वाहिशात की कुर्बानी, आपके चाल चलन की कुर्बानी, हर एक चीज खुदा आपसे कुर्बानी मांगता है और खुदा ये कहता है तूने मेरे लिए क्या किया है। मेरे जीजो, इब्राहिम ने जब कुर्बानी दी तो कुर्बानी के साथ खुदा ने एक वादा उससे कर दिया, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अब इब्राहिम से पहले पहली बातचीत हो रही है और खुदा एक भरपूर वादा कर रहा है, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। आगे चलकर हम इसको डिटेल में देखेंगे, खुदा ने कैसे उससे कौम में बदला, और लिखा है और तुझे बरकत दूंगा।
बरकत को इंग्लिश लफ्ज में कहते हैं ब्लेस, जिसका मतलब है हम्द सना। हम्द सना करना, प्रस्तुति करना। लेकिन मेरे जीसो लॉजिकल ब्लेस का मतलब होता है बढ़ना। इसका लॉजिकल मीनिंग है बढ़ना। खुदा जब आपको बरकत देगा, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आज हम देखेंगे कि इब्राहिम ने जब खुदावंत का वादा पूरा किया, उसके कलाम को पूरा किया, तो उसकी जिंदगी में कैसे बरकतें आईं। क्यों हमारी जिंदगी बीमारियों, परेशानियों, मुसीबतों, दुखों और तकलीफों का बायस है, उसके पीछे रीजन यह है, आज तक हमने खुदा के लिए कुछ नहीं किया, आज तक हमने उसके लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। और खुदा कहता है तू मेरे लिए कुर्बानी दे और मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। पहला वादा याद रखेगा कौम, दूसरा वादा बरकत दूंगा, तीसरा वादा तुझे सरफराज करूंगा। सरफराज करना इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट बना दूंगा। और मजे की बात है खुदा ने अपने सब वादों को पूरा किया मेरे सीसो, ग्रेट बना दिया। आज भी आप दुआ का आगाज करते हैं इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा। मेरे सीसो ने कहा तू 22 से बरकत होगा और जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आज हम देखते हैं खुदा ने कैसी बरकतें इब्राहिम नबी को दी। आए देखते हैं, मेरे साथ कलाम मुकद्दस में साथ रखिएगा, अब मुख्तलिफ आयात में से सीखेंगे। 12वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है और इब्राहिम जब चला इस इलाका से तो 75 बरस का था, और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हारान में मिल गए थे साथ लिया और मुल्क कनान को रवाना हुए। बताता चलूं मेरे सीसो, जहां पर खुदा ने उसको हुक्म दिया कसदियों का और इराक का इलाका था, और अब वो इराक के इलाके से निकलकर हारान के इलाके में आ गया है। हारान का इलाका आजकल का तुर्की है, और जिस इलाके में आगे वो कनान में जा रहा है, आपको बताते चलूं कि कनान का इलाका उस वक्त के अंदर बहुत बड़ा एरिया था। अच्छी अकल में ये है हम कलाम सुने तो उसका नोट कर लें मेरे जीजो, ये आपके काम आएगा ताकि जो कुछ आप सुने आप दूसरों को सिखा सकें। मैं हमेशा कहता हूं ये कलाम आपके ऊपर एक कर्ज है सुनने वालों के लिए, और कर्ज हमेशा उतारा जाता है। आपका काम यह है कि जो कलाम आप सुन रहे हैं आप दूसरों को भी सुनाएं। दूसरों को सुनाने का बेहतरीन तरीका आप उसको नोट कर लें। बताता हूं कनान का इलाका साउथ, साउदर्न इसराइल, वेस्ट बैंक ऑफ गाजा, जॉर्डन, साउथर्न पोर्शन ऑफ सीरिया एंड लुबनान, इसराइल, फलस्तीन, जॉर्डन, सीरिया और लुबनान, और साउथ साइड आ रही थी। ये कनान एक बहुत बड़ा इलाका था। खुदा ने उसको कहा इराक को छोड़, अब वो इराक को छोड़कर तुर्की में आ गया है। अब तुर्की से खुदा उसको कनान के इलाके में जा रहा है जो एक बहुत बड़ा एरिया है। और हारान में जब इब्राहिम चला तो उसके साथ उसकी बीवी सारी थी, उसका भतीजा लूत था, और जो माल उन्होंने जमा किया था और थोड़ा सा। और अब जब तुर्की में आए तो यहां पर उनको कुछ लोग मिल गए हैं, उन लोगों को उन्होंने साथ लिया और मुल्क कनान में आ गए हैं। मेरे अजीजों याद रखिएगा, खुदा का जब भी कोई काम, जब आप उसकी बुलाहट सुनकर चलते हैं तो आपके फुट स्टेप्स शुरू में अकेले आप चलते हैं, आप जो बढ़ते हैं काफिला बढ़ता जाता है। अब जब इब्राहिम चला है, उसकी बीवी है, लूत है, थोड़ा सा माल है, हारान में पाए गए लोग हैं। और लिखा है जब खुदा उसे सातवीं आयत में कनान में लेकर आया, उसने कहा यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा जिसका वादा मैंने तेरे साथ इराक में किया था। अब जिसका वादा किया गया है, जिस सज़मीन पर वो आ गया है, खुदा ने वादा किया ये मैं तेरी औलाद को दूंगा। अब मेरे सीसो इसी 12वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है अब इब्राहिम जो है वो मिस्र में आ गया है, क्योंकि एक काल पड़ गया कनान में और वो आया है मिस्र के अंदर। अब मिस्र के अंदर एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। यहां पर इब्राहिम के दिल में खौफ आया। कभी कभार हमारे जहन में भी आता है मेरे सीसो, हमारे दिल में भी कभी पर खौफ काम करता है। लेकिन जहां जहां पर खुदा का बंदा खौफ मुबतला होता है तब तब खुदा उसको ज्यादा सरफराजी देता है। इब्राहिम डर गया मेरी बीवी खूबसूरत है और जो कोई मुझे देखेगा मेरी बीवी को वो मुझे मार डालेगा और मेरी बीवी ले लेगा। उसने कहा तू कहना कि वो मेरा भाई है। और लिखा है सारा खूबसूरत औरत थी, और 15वीं आयत में लिखा है और फिरौन के उमरा ने उसे देखकर फिरौन के हजूर में उसकी तारीफ की और वो औरत फिरौन के घर में पहुंचाई गई। अब जब फिरौन के घर में पहुंचा ली गई है तो खुदा की बरकतें चेक करें कैसी हैं। उसने उसकी खातिर इब्राहिम पर एहसान किया और भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और गुलाम और लोंडियां और गधियां और ऊंट उसके पास हो गए।
मेरे जीजो, जब आप खुदा के साथ चलते हैं, खुदा आपको माली बरकतों से भी नवाजेगा और रूहानी बरकतों से भी नवाजेगा। इसे कहते हैं बरकत से बरकतें। खुदा आपके साथ जुड़ी हर चीज को बरकत देना शुरू कर देता है। खुदा आपके घर को बरकत देना शुरू कर देता है, आपकी जिंदगी को बरकत देना चाहता शुरू कर देता है। जब चला था थोड़ा सा माल था जो उन्होंने जमा किया था, आज फिरौन बादशाह ने उसको ढेर सारे ऊंट, नौकर, चाकर, बैल, गधे, गुलाम और लौंडियां दी हैं। और लिखा है, एक बात याद रखिएगा, जब आप 22 से बरकत हैं, आप रूह में खुदा के साथ चल रहे हैं सच्चाई के साथ, तो जो जो आपके साथ होगा खुदा उसे भी अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अगर आपके साथ जितने लोग खड़े हैं, खुदा आपके वसीला से उन सबको बरकत देना चाहता है। खुदा ने देखा इब्राहिम की बीवी सारी फिरौन के पास चली गई है, और लिखा है 17वीं आयत में फिरौन के घर में खुदा ने बड़ी बड़ी बलाएं नाजल करना शुरू कर दी। जब बड़ी बड़ी बलाएं नाजल हुई तो फिरौन ने इब्राहिम को बुलाकर कहा, तूने मुझसे क्या किया, ये तो तेरी बीवी है, अब इस मुल्क से निकल जा ताकि मेरे घर में बीमारियां नाजिल ना हो, ताकि मुझ पर रहमत हो सके। मेरे यीशु, यह है एक बाबरकत इंसान जिसके साथ जुड़ा हर एक इंसान के भी जिंदगी पर कोई खरोच तक नहीं आ सकती, क्योंकि खुदा इब्राहिम के वसीला से सारी को बरकत दे रहा था। लिखा है उसने सारा माल उसके साथ रवाना कर दिया। अब 13वें बाब की पहली आयत में लिखा है, और इब्राहिम मिस्र से अपनी बीवी, अपना समाल और लूत को साथ लेकर कनान के जनूब की तरफ चला। मेरे शिष्य, हमने देखा कि जब इब्राहिम मिस्र से निकला है तो दूसरी आयत में लिखा है कि इब्राहिम के पास चुपाए और सोना चांदी बकसरत था। मेरे जीसो, जब हम खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा कहता है मैं तुझे बरकत पर बरकत देना चाहता हूँ। खुदा ने माली तौर पर इब्राहिम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि हर चीज़ उसके पास कसरत से थी। अगर आज हम खुदा के साथ चलेंगे, खुदा हमारी किसी भी चीज़ में कमी नहीं आने देगा। और लिखा है कि मैंने पहले बताया कि अब 5वीं आयत में लिखा है 13वें बाब की, और लूत के पास भी जो इब्राहिम का हम सफर था, भेड़ बकरियाँ, गाय बैल और डेरे थे, और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और इब्राहिम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और करानी और फिरजी उस वक्त मुल्क में रहते थे। मेरे जैसे कितनी खूबसूरत बात है, इतने माल मवेशी, इतने नौकर चाकर, गाय बैल था कि उनके पास उस मुल्क में रखने की गुंजाइश नहीं थी। मैंने पहले बताया, लिखा है कि लूत इब्राहिम का हम सफर था। आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं, खुदा आपके वसीला से उन सबको भी बरकत देना चाहता है। और लूत को भी बरकत मिल रही थी, अब लूत के पास भी नौकर चाकर, गाय बैल और हर एक चीज कसरत से हो गई थी, और इतना माल था कि उस मुल्क में रखने की गुंजाइश ना थी। मेरे जैसे आज हमने भी गौर करना है, क्या मैं खुदा के साथ ठीक चल रहा हूँ? अगर हम खुदा के साथ ठीक चलते हैं तो खुदा हमें इतना देना चाहता है कि हमारे पास रखने की जगह भी ना होगी। इस्तिस्ना उसके 28वें बाब के अंदर लिखा है फरमाबरदारी की बरकतें, और वहां लिखा है खुदा ने कहा, जब तू मेरे ऊपर अमल करेगा, आसमान जो अच्छा खजाना है मैं तेरे लिए खोल दूंगा, और तेरे पास रखने की जगह ना होगी, और मैं तेरी हर एक चीज को बरकत दूंगा। खुदा इब्राहिम की वजह से लूत को बरकत दे रहा था। और लिखा है एक वक्त आया जब नौकर चाकर ज्यादा हुए और झगड़ा होने लगा, तो उसने कहा झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, हम दोनों जुदा जुदा हो जाते हैं। और लिखा है लूत चल पड़ा सदूम और अमूरा के इलाके की तरफ, उसने कहा जो तुझे अच्छा लगता है वो सब ले ले, और उसने उसके साथ कोई झगड़ा ना किया। लूत जुदा हो गया, इब्राहिम जुदा हो गया। अब यहां से हम आगे देखते हैं कि जब लूत जुदा हुआ तो हुआ यूं कि 5 बादशाहों ने मिलकर लूत के ऊपर हमला किया, और लूत के माल, उसकी बीवी, उसके बच्चों को और सबको ले गए। अब वो बाबरकत आदमी के साथ नहीं था, इसलिए कोई उससे लूट कर लेके जा रहा है। लेकिन मेरे जीजो, फिर हुआ क्या कि 14वें बाब की 16वीं आयत में अब इब्राहिम गया है, और इब्राहिम ने 5 बादशाहों के ऊपर हमला किया, और जाकर 16वीं आयत में लिखा 14वें बाब की, और वो सारे माल को और अपने भाई लूत को और उसके माल और औरतों को भी और लोगों को भी वापस फेर लाया है। इसका मतलब है लूत की जिंदगी इब्राहिम जैसी नहीं थी, इसीलिए कोई गया है लूट के हर एक चीज ले गया है। याद रखेगा, आपकी बरकतों को छीन नहीं सकता। एक भाई, मैं वॉल्टन में गया तो वहां पर एक भाई मेरे पास आए, सवाल करने लगे, मुझे कहने लगे पाजी साहब
कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी पूछे। वो कहने लगा कि मैं हमारे घर में एक लेडी सही दुआ करने के लिए, जब उन्होंने दुआ की तो मुझे अपने अंदर बड़ी कमी फील होना शुरू हो गई। तो मैंने एक अपने भाई खादम से रब्ता किया, मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो औरत आपकी सारी बरकतें ले गई हैं। तो मेरे जीजू मुझे हंसी आई इस बात के ऊपर। उस बेटे ने, भाई ने मुझसे पूछा आप हंस क्यों रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब, खुदा की बरकतें कोई आपसे छीन नहीं सकता। खुदा ऐसी किसी को जरूरत ही नहीं देगा कि कोई आपकी चीज छीन सके, क्योंकि ये बरकतें खुदा की तरफ से हैं। जो लोग लूत को लूट कर ले गए थे, इब्राहिम जो बाबरकत आदमी था, जिसके वसीला से बरकतें सब तरफ ट्रांसफर करी थी, जिसकी वजह से लूत को बरकत मिली थी, वो गया और सारा माल मवेशी वापस ले आया। अब मेरे जीसो लिखा है कि खुदा अपने लोगों को बरकतों से लबरेज करना चाहता है। पैदाइश 17वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, अब उसकी बीवी ने भी उससे कहा कि इब्राहिम तू मेरे लिए भी दुआ कर ताकि मुझे भी खुदा बरकत। और 15वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने इब्राहिम से कहा, सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा, मैं उससे बरकत दूंगा और उससे तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उससे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। मेरे जीसस, कितनी खूबसूरत बात। खुदा इब्राहिम के साथ जुड़े हर एक आदमी को बरकत देना चाहता है। और हमने पढ़ा पैदाइश 17वीं बाब की 15वीं आयत में, खुदा ने इब्राहिम की वजह से उसकी बीवी का नाम तब्दील कर दिया। बीवी को तब्दील करने के बाद अब खुदा इब्राहिम की वजह से उसको बरकत दे रहा है, मैं तेरी बीवी को एक बेटा बख्शूंगा और उससे बरकत दूंगा तेरी तरह, और कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उसमें से पैदा होंगे। मेरे जो हम देख रहे हैं, सारी को बरकत मिली है, अब वो सारा कहलाएगी। और खुदा कह रहा है तेरे वसीला से तेरे बेटे को भी बरकत दूंगा। आज याद रखिएगा, आपकी नस्ल आपके वसीला से बरकत पा सकती है। और लिखा ये जा रहा है कि आलम के बादशाह तेरे बेटे के वसीला से पैदा होंगे। कितनी बड़ी बरकतें हैं। खुदा हर चीज़ को बढ़ाता जा रहा है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है और बेशुमार बरकत के वादे किए जा रहे हैं। अब जब बादशाह लिखा है कि सदूम और अमूरा की, और मेरे सीसो इन चार शहरों को, बल्कि टोटल पांच शहर थे, आपको बताता चलूं, आज तक हम सिर्फ दो शहरों को जानते हैं, सदूम, अमूरा, अदमा, जुबोइम और जुगर, और पांचवां शहर लूत की वजह से छोड़ दिया गया था। लेकिन आए देखें पैदाइश 19वें बाब की 29वीं आयत में खुदावंद क्या फरमा रहे हैं। और 29वीं आयत में लिखा है, और यूं हुआ कि खुदा ने उस तराई के शहरों को नेस्त किया, तो खुदा ने इब्राहिम को याद किया और उन शहरों को जहां लूत रहता था, गारत करते वक्त लूत को उस बला से बचाया। 29वीं आयत हमें बता रही है 19वीं बाब की पैदाइश कि खुदा ने लूत को इब्राहिम की वजह से बचाया है। खुदा ने वहां पर भी इब्राहिम को याद किया और लूत को बचा लिया है। इसका मतलब है कि जो बरकतें लूत को मिल रही थीं, उनके पीछे इब्राहिम खड़ा था और इब्राहिम की वजह से सारी बरकतें लूत में भी ट्रांसफर हो रही थीं। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब पैदाइश 20वें बाब के अंदर जिस तरह सामना करना पड़ा मिस्र में फिरौन बादशाह का इब्राहिम को, अब ऐसी सिचुएशन एक और मुल्क में भी आ गई है। जब इब्राहिम जनूब के इलाके की तरफ चला, पैदाइश की किताब 20वें बाब की पहली आयत में लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है, कादस और शोर के दरमियान ठहरा और जरार में क्याम किया, और इब्राहिम ने फिर अपनी बीवी सारा के हक में कहा कि ये मेरी बहन है। मेरे से तो क्या वस्ता चला था, लेकिन पीछे एक हल्का सा डर भी था। मैंने आपको पहले बताया, जहां जहां पर इब्राहिम डरा वहां वहां पर बरकतें ज्यादा आई। लिखा है तीसरी आयत में 20वें बाब की, लेकिन रात को खुदा अभी मलक के पास ख्वाब में आया और उसे कहा, देख तू सौरत के सबब से जो तूने लिया है हलाक होगा, क्योंकि वो शहर वाली है। मेरे जीजो, इस आयत को पढ़कर मुझे बड़ी बरकत मिली, और यकीनन आप भी इस बात के ऊपर गौर करें। लिखा है कि खुदावंद खुदा आसमान को छोड़कर अभी मलिक बादशाह के ख्वाब में चला गया, इब्राहिम की वजह से। कि ख्वाब में कहा, जो औरत तेरे पास है वो मेरे बेटे की बीवी है, वो मेरे बेटे की बीवी है और वो शोहर वाली है, तो इसको वापस कर। और बड़ी खूबसूरत सी बात यहाँ पर की गई है। देखिए मेरे शिशु, अगर आज हम पाक और मुकद्दस हैं और बाबरकत हैं, खुदावंद खुदा की नज़र आप पर है, क्योंकि पहला पत्रस के दूसरे बाब की 9वीं आयत में लिखा है कि रासवास मेरी निगाह में है और रासवास की दुआ पर मेरे कान लगे हैं। हालेलुया, क्या खूबसूरत बात। आज मेरे शिशु, हमें जरूरत इस बात की है, हम रासवास बने, हम पाक और मुकद्दस बन जाएं।
खुदावन खुदा ने अपना तख्त छोड़ा और अभी मलक के ख्वाब में आ गया है और आकर उससे कह रहा है और उसको डांट रहा है, उस औरत को वापस कर क्योंकि वो इब्राहिम की बीवी है। और चौथी आयत में लिखा है, पर अभी मलक ने उससे सोबत नहीं की थी, सो उसने कहा, ऐ खुदावन, क्या तू सादक कौम को मारेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा ये मेरी बहन है? तो छठी आयत में लिखा है, खुदा ने उससे ख्वाब में कहा, हाँ मैं जानता हूँ तूने अपने सच्चे दिल से किया, पर मैंने भी तुझे रोका कि तू मेरा गुनाह ना करे। मेरे यीशु, कितनी खूबसूरत बात, खुदा आपके वसीला से आपके दुश्मनों को रोकेगा कि कोई आपके खिलाफ गुनाह ना कर सके। इसलिए मैं तुझे छूने ना दिया, तू उस मर्द की बीवी को वापस कर दे क्योंकि वो नबी है और वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। 20वें बाब की 7वीं आयत, और अगर तू उसे वापस ना करे तो जान ले तू भी और जितने तेरे साथ हैं सब जरूर हलाक होंगे। मेरे जो ख्वाब में आकर हमारा खुदावंद कितनी खूबसूरत बात करता है, लेकिन अपनी बीवी, इसकी बीवी को वापस कर दे क्योंकि वो नबी है, वो तेरे लिए दुआ करेगा तो तू जीता रहेगा। मेरे जो 20वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, तब अभी मलिक ने भेड़ बकरियां और गाय बैल और गुलाम और लौंडियां इब्राहिम को दी और उसकी बीवी सारा को भी वापस कर दिया। मेरे जो कितनी खूबसूरत बात, मैंने बताया था जहां जहां खुदा के बंदे डर महसूस करते हैं वहां खुदा की ब्लेसिंग्स कसरत से आती है। फिरौन के पास उसने ढेर सारे लौंडियां, गधे, ऊंटनियां और क्या कुछ खुदा के बंदे को दिया। अब अभी मलिक बादशाह भी इतनी सारी चीजें उसको दे रहा है। और नीचे चल कर लिखा है 16वीं आयत में, उसने उसको चांदी के 1000 सिक्के भी दिए। लिखा है 17वीं आयत में 20वें बाब की, तब इब्राहिम ने खुदा से दुआ की और उसने अभी मलिक उसकी सारी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी और उनके हाँ औलाद होने लगी, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम की बीवी सारा के सबब से अभी मलिक के खानदान के सब रहम बंद कर दिए थे। मेरे जो अगर आप पाक और मुकद्दस हैं, आपकी दुआ पर खुदा के कान लगे हैं, खुदा आपके वसीला से दूसरों को शिफा देना चाहता है। अभी मलिक के घर में बरकतें आने लगी जब इब्राहिम ने दुआ की। अगर आज हम भी पाक और मुकद्दस हैं और बाबरकत हैं, आप जिस घर में जाएंगे दुआ करेंगे खुदा उसको बरकत देगा। और मेरे जो देखें कि वो कितना अमीर हो गया था, कि कितना बढ़ गया था, कि पैदाइश 24वें बाब के अंदर उसने जब अपने नौकर को भेजा कि मेरे लिए बहू ढूंढ कर ला, तो उसने उसके जो कंगन भेजे थे वो 125 तोला वजनी 2 कंगन थे, और जो उसको नत भेजी थी बहू के लिए जो अभी जो चूस करने के लिए जाना था, तो मेरे जो 12.5 तोले की सोने की नथ दी गई थी। जब अपने घर से चला तो उसके पास इतना माल नहीं था, जो जो खुदा के साथ चलता गया खुदा उसको बरकत देता गया और जो जो लोग इब्राहिम के साथ अटैच थे उन सब पर बरकतें नासिल होने लग पड़ी। मेरे जो ये सब इसीलिए है, अगर हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा हमें बरकत पर बरकत देना चाहता है, हमें बरकतों से भरना चाहता है। ये डिपेंड हम पर करता है, हम बरकत लेना चाहते हैं या लानत लेना चाहते हैं। लेकिन अगर तू गुनाह करेगा तो तू लानती कहलाएगा और गुनाह की मंजूरी मौत है, लेकिन अगर तू पाक और मुकद्दस होगा मैं तुझे बरकतों को तुझ पर नाजिल करूंगा, आसमान की बरकत तुझे मिलेंगी और मैं तुझे सरफराज करता चला जाऊंगा। आगे चलकर मेरे जो लिखा है कि इब्राहिम इतना अमीर हो गया था कि उसने आगे चलकर अपने लिए एक पूरा कब्रिस्तान खरीदा और मेरे जो 400 मिसकाल की चांदी देकर उसने वो सारा कुछ खरीदा। और मेरे जो पैदाइश 23वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, और वो आज के मुताबिक 10,040 तोला चांदी थी। मेरे जो देखें खुदा ने कितनी बरकतों से सरफराज किया। आए आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हमारे घरों में बीमारी क्यों है, हमारे घरों में परेशानी क्यों है, हमारे घरों में मुसीबतें क्यों हैं, हम क्यों दुखों में मुबतला हैं, क्यों हम बदहाल हैं, क्यों हमारी जिंदगी में कसरत की बरकत नहीं आ रही। खरूज 23वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, जब तू मेरे कलाम पर अमल करेगा तेरी रोटी और पानी को बरकत दूंगा, तेरे घर में कोई बीमारी नहीं आएगी, तू जो कारोबार करेगा 100 गुना बरकत दूंगा, तेरे घर में कोई बांच नहीं रहेगी और तुझे उम्र की दराजी अता करूंगा, सिर्फ जब तू मेरे कलाम पर अमल करेगा। मेरे जो आज गौर करें अपनी जिंदगियों के ऊपर, इब्राहिम ने खुदावंद के कलाम पर अमल करना शुरू कर दिया, उसने उसको बरकतें देना शुरू कर दी। मलाकी की किताब उसके 3रे बाब में लिखा है, तो मेरी तरफ रजू ला, मैं तेरी तरफ रजू लाऊंगा। आज हम जब अपने कदम खुदा की तरफ बढ़ाएंगे मेरे जीसो, तो खुदा आपकी जिंदगी को बरकतों से भर देगा, और सिर्फ आपकी जिंदगी पर नहीं, जितने लोग आपके साथ अटैच होंगे, जो आपके साथ साथ चलेंगे शाना बिछाना, खुदा उन सबको भी बरकतों से लबरेज कर देगा और ये बरकतें उनकी जिंदगी में भी नजर आएंगी। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें इस कलाम के वसीला से,
देखें कि अगर खुदा इब्राहिम को बरकत दे सकता है तो वो आपको भी बरकत दे सकता है। आइए आज सोचें, मैं कितनी कुर्बानियां खुदा को दे रहा हूँ, मैं कितना वक्त खुदा को देता हूँ, क्या मैंने अपनी ख्वाहिशात को खुदा पर कुर्बान किया। हमें तो यीशु मसीह ने सिखाया है, ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हमने आज तक कितनी मर्जी खुदा की पूरी की है, क्या हमने उसके हुक्मों पर अमल किया, क्या हमने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी है, क्या हमने अपने आप को इस लायक बनाया है कि खुदा हमें बरकत दे सकते। जब हम उसके लिए कुछ नहीं करते तो हम बरकतों की तवक्को क्यों रखते हैं। आप खुदा के साथ चलें और बाइबल का वादा है आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुँह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आप खुदा के साथ चलें, उसके कलाम पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी में बरकतें देखें। खुदा आपको बेटा बेटी बनाता है। जब उसने आपके लिए अपनी जान दी है, आपको अपना बेटा बेटी बनाया है, तो मेरे अज़ीज़ो यहोवा यरीहो खुदा बाप ने वादा किया है जब तुम मेरे कलाम पर एहतियात से अमल करेगा। इस्तिस्ना 28वां बाब गौर से पढ़िए, वहाँ फरमाबरदारी की बरकतें लिखा है। आप फरमाबरदारी शुरू करना शुरू करें, वो आपको बरकत देना शुरू कर देगा और आसमान के खजाने खोल कर आपको बरकत देगा। आए मेरे अज़ीज़ो इस बात के ऊपर गौर करें, आज अपने घर पर, अपनी ज़िंदगी, अपनी औलाद के ऊपर गौर करें। खुदा ने उसके बेटे जो भी पैदा नहीं हुआ था इब्राहिम की वजह से सारा को बरकत दी। सारा की बरकत के साथ साथ इज़हाक की बरकतें शुरू हुई। खुदा आज आपकी नस्लों को बरकत देना चाहता है, आपको भी, आपके घर को माली तौर पर, रूहानी तौर पर, हर जगह पर आपको बढ़ाकर सरफराज करना चाहता है। आए अपनी माली बरकतों को लें, आए अपनी रूहानी बरकतों को लें, आए अपनी नस्ली बरकतों को रिसीव करें, आए अपने घरों से, अपनी ज़िंदगियों से तमाम बीमारियों, कमजोरियों को दूर करने के लिए तौबा करें और खुदा के ज़ोर आजीज़ से आएँ ताकि वो आपको अपने वक्त पर सरबुलंद करें। आए अपनी आँखों को बंद करें और हम मिलकर दुआ करते हैं। जिंदा खुदा बाप, जिंदा खुदा बेटे और जिंदा खुदा रुद्दस के नाम से दुआ करता हूँ। मेरे कदूस खुदावन तमाम सुनने वाले बेटे बेटियों को बरकत दे, अपना पाक दाना हाथ इनके ऊपर बुलंद कर मेरे मालिक, ताकि आसमान के दरीचे इनके लिए खोल जाएं। ऐ मेरे खुदावन यीशु मसीह, आपने कहा मैं ही खुदावन तेरा शाफी हूँ। ऐ मेरे शाफी खुदा, सुनने वालों को शिफा अता कीजिएगा। ऐ खुदावन इनके दिलों को आजिज कर दीजिएगा, इनके दिलों को खाकसार बनाइएगा ताकि आज इस कलाम के वसीला से ये अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि खुदा हमें ढेर सारी बरकत देना चाहता है। ये बरकत हमारे गुनाहों ने रोक रखी हैं, हमारी नस्ली लानतों ने इन बरकत को रोक रखा है और हम बरकतों में आगे नहीं बढ़ रहे। हमारे घर में मुफलसी है, हमारे घर में परेशानी, बीमारियाँ, कमजोरियाँ, तकलीफें हैं। आए इस बात के ऊपर गौर करें और खुदावन से आज वादा करें, कहें खुदा मेरे बड़ों के गुनाह, मेरे गुनाह, मेरी जुबान की खताओं को बख्श दे। मैं वादा करता हूं कि आइंदा के बाद आपका पाक और मुकद्दस बेटा या बेटी बनूंगा। आए खुदा मुझे बरकत दे, मेरे साथ जितने लोग चलते हैं उन सबको बरकत दे। खुदा मेरी नस्ल को बरकत दे, मेरे घर को बरकत दे, मेरी तमाम चीजों को बरकत दे ताकि हर चीज आपके जलाल की मामूरी से बढ़ सके। क्योंकि खुदा ने कहा कि जब तुम मेरे कलाम पर एहतियात से अमल करेगा तो तू मुबारक कहलाएगा। तेरे बच्चे, तेरा घर, तेरा खेत, तेरा शहर, तेरा जखीरा खजाना, हर एक चीज मुबारक होगी और बढ़ती जाएगी। मैं तेरे जखीरा खजाना को भी बरकत देना चाहता हूँ, तेरे स्टोर को, तेरे किचन को, तेरे रोटी पानी को, हर चीज को मैं बरकत देना चाहता हूँ। ऐ कदूस खुदा, सुनने वालों को बरकत दे ताकि वो अपने गुनाहों से तौबा करें और एक नए इंसान बनने का वादा करें, ताकि ये बरकतें इनकी जिंदगी में नासिल हों और इब्राहिम जैसी बरकतें इनकी जिंदगी में मिलें और आपका नाम इनकी जिंदगियों में जलाल पाए। जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन।